नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों देख सकते हो, आज हमारा बर्ड का तीसरा दिन है, तीसरा दिन का मॉर्निंग है। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीड का कॉस्ट बताऊंगा कितना आ रहा है, और बना के भी दिखाऊंगा बोला था। जो नए नए फार्मर हैं उन लोगों के लिए, जो पुराने फार्मर हैं उन लोग कई बार तो देख चुके हैं, तो उन लोग भी देख लेना क्या कॉस्ट आ रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ खुद की फीड कैसे बनाते हैं। और हालांकि मेरे पास मिक्सचर नहीं है, आप जानते होंगे, तो अब मिक्सचर लेना जरूरी हो गया दोस्तों। लेकिन पैसा का दिक्कत, जब भी पैसा आता है दोस्तों कुछ ना कुछ मजबूरी के चलते नहीं ले पाते। तो चलिए मैं आपको फीड बना के दिखा देता हूँ क्या कॉस्ट आ रहा है फीड का, आप देख लेना। और खुद का फीड किस तरह से क्या क्या मिला था उसको भी देख लेना। रिजल्ट तो आप जानते होंगे क्या आता है रिजल्ट, आप मैं आपको 10 दिन में शो कराऊँगा क्या रिजल्ट आता है। तो 10वें दिन का भी वीडियो देख लेना रिजल्ट खुद का फीड से। तो चलिए मैं आपको फीड बना कर दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों देख सकते हो, ये हमारा दाना घर, ये रहा मक्का, ये रहा सोयाबीन, ये रहा कॉन्सेंट्रेट, ये रहा फ्री स्टार्टर, ये रहा ऑयल। और अपने पास दोस्तों टॉक्सिन माइंडर एसिडिफायर अवेलेबल नहीं है, बस मार्केट जाने का जा नहीं पा रहा हूँ, तो नहीं ला पा रहा हूँ। तो एक आज या कल शायद जाऊँगा तो लेके आना है, टॉक्सिन माइंडर एसिडिफायर देना जरूरी है। तो चलिए फिर मैं आपको फीड बना कर दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों मक्का, मक्का पहले डाला, प्री स्टार्टर फीड का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये रहा फॉर्मूला, आप देख लास्ट में दिखाऊंगा क्या कॉस्ट है और इसकी शर्ट भी मार लेना लास्ट में। तो सबसे पहले मक्का से शुरू करते हैं हम लोग। मक्का हम लोग प्री स्टार्टर फीड के लिए डालेंगे 62 किलो मक्का डालेंगे। तो मक्का डाल लेते हैं, यहाँ बन रहा है 2 क्विंटल दाना फीड, क्योंकि खुद का फीड बनाने से जितना ज़रूरत रहता है उतना ही बना लीजिए, एक्स्ट्रा बना के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खुद का मशीन है, खुद का सब कुछ है, जब मर्जी बनाओ। तो 2 क्विंटल के हिसाब से बन रहा है अभी। तो चलिए फिर मैं आपको मक्का डाल के दिखा, मतलब बाद फिर कंटिन्यू करता वीडियो। ये रहा मक्का, मक्का डाल रहा है आपका 62 किलो, और कॉस्ट भी बताऊँगा वो वीडियो बने रहिए, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए फिर मक्का, इसके बाद डलेगा अपना सोयाबीन। तो चलिए फिर मक्का को अच्छी तरह से चारों तरफ बिछा लेते हैं, फिर सोयाबीन डालते हैं अंदर। ये आ रहा है अपना सोयाबीन, देख सकते हो। तो सोयाबीन मैं 60 किलो का बोरी है, तो प्री स्टार्टर फीड के लिए अगर आप 1 क्विंटल दाना बनाओगे, मतलब 100 केजी फीड बनाओगे, तो 30 केजी सोयाबीन आपको देना रहेगा। तो मैं 2 क्विंटल बना रहा हूँ तो 1 बोरी डालूंगा। तो चलिए सोयाबीन डाल लेते हैं। सोयाबीन जो सोयाबीन का खली रहता है वो उसे बोलते हैं सोयाबीन, सोयाबीन खली। चलिए आपको पास में जाकर भी दिखा देता एक बार। सोयाबीन डाल रहा है अभी, इसके बाद अपना डालेगा कॉन्सेंट्रेट, जो कि मैं 7.5% यूज़ करता हूँ। आप सोयाबीन को पूरी तरह से बिछा लेना है चारों तरफ से इसी तरीके से। दोस्तों ये हाथ से मिक्सचर करने का तरीका है, अगर मशीन रहता तो मशीन का भी अलग तरीका है। तो आपको जब भी मैं मिक्सचर लूँगा तब आप मैं बता दूँगा क्या कॉस्ट है मिक्सचर का और किस तरह से मिक्सचर करना है मिक्सचर से। हालांकि अभी मेरे पास 4,500-5,000 का फार्म है, तो हाथ से बन जाता, जब और 5,000 बढ़ेगा अभी उस टाइम मिक्सचर लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो पहले मिक्सचर लेना है, उसके बाद ही फार्म को आगे बढ़ाना है। तो हो गया अभी, फिर अभी जाएगा अपना कॉन्सेंट्रेट जो कि 7.5% है। चलो दिखा दो कॉन्सेंट्रेट को। ये रहा दोस्तों प्री स्टार्टर का, पूरा डाल दो उसको। दोस्तों रोबिटेक्स का है, इसको भी डाल लेना है। ये देख सकते हो रोबिटेक्स का 7.5%। बोरी को दिखा दो अच्छे से, उल्टा उल्टा करो बोरी को। ये दोस्तों ये देख सकते हो 7.5%। चलिए हो गया, अभी कॉन्सेंट्रेट डाल गया, अभी इसको भी तरह अच्छी तरह से बिछा लेना है, फिर ऑयल डालना है। अभी इसके बाद टॉक्सिन माइंडर और एसिडिफायर डालना रहता है, तो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, और जब मार्केट तरफ जाऊँगा तो लेके आना ही है।
टॉक्सिन माइंड रेसिटी पर काम ये रहता है, मक्का में अगर किसी प्रकार का मॉइस्चराइजर रहता है तो वो ख़त्म कर देता है। और बरसात के दिन अभी आने वाला है, तो बरसात के दिनों में टॉक्सिन माइंडर ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के दिनों में नमी बहुत आता है। और एसिडिफायर जो भी डाइजेशन को ठीक करता है दोस्तों। तो चलिए अभी मैं तेल डाल लेता हूँ। तेल आपको सब कुछ फिट बनाने के लिए, प्री स्टार्टर फिट बनाने के लिए आपको 1 kg तेल डालना है, जो कि वो मेरा बैरल है, मैं 1 barrel मंगाता हूँ। ये अब जाएगा हमारा तेल। तेल को अच्छी तरह से चारों तरफ से डालना है धीरे धीरे करके इस तरीके से। और किस चीज़ का कॉस्ट कितना है वो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, आगे बने रहिए। और 1 kg कॉस्ट भी आपको निकाल के दूंगा। ये प्री स्टार्टर का फीड का कॉस्ट थोड़ा सा महंगा रहता है बाकी फीडों से। तो अगर प्री स्टार्टर का कॉस्ट बताऊंगा उससे दो से तीन रुपये कम आप स्टार्टर और फिनिशर को जोड़ लेना। तो हो गया अपना फीड, अभी बस मिक्सचर करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कॉस्ट आ रहा है, ये मैं लिख के रखा था पूरा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मक्का से लेकर। मक्का अपना 62 किलो डाला था प्री स्टार्टर फीड के लिए, और मक्का का जो कॉस्ट है अपना 18 रुपये है अभी। तो अपने साइड मक्का बहुत बनता है, इसलिए मक्का आपके साइड में पता नहीं क्या रेट है, लेकिन अपने साइड में 18 से भी कम है, लेकिन मैं 18 जोड़ा हूँ। तो 18 से जोड़ेंगे तो 1116 रुपया मक्का का बन रहा है 100 kg फीड बनाने के लिए। फिर हमने डाला सोयाबीन। सोयाबीन का जो कॉस्ट है मेरे को 52 रुपये जोड़ा हूँ, भला हालांकि इससे 1 रुपये कम हो जाएगा, लेकिन 52 रुपये जोड़ा हूँ मैं। तो 52 रुपये जोड़ेंगे तो आपको 1560 रुपया सोयाबीन कॉस्ट जा रहा है 100 kg फीड का। फिर अपना पाउडर डाला था 7.5% कॉन्सेंट्रेट, जो कि मैं आपको दिखाया था, उसके लिए जोड़ेंगे तो कॉन्सेंट्रेट का पर केजी आपको आएगा 86। हालांकि मैं 86 लिखा नहीं, मैं लिख लेता हूँ, अब लिख दिया 86 करके आता है पर केजी। और जोड़ेंगे तो 645 रुपये आपको बन रहा है पाउडर का, 7.5 kg पाउडर का। उसके बाद टॉक्सिन माइंडर एसिडिफायर हमने डाला नहीं, लेकिन उसका हिसाब भी रखना पड़ेगा क्योंकि डालना जरूरी है। तो टॉक्सिन माइंडर और एसिडिफायर 100-100 ग्राम करके डालना है, तो 200 ग्राम डालना है टॉक्सिन माइंडर एसिडिफायर 100 ग्राम और टॉक्सिन माइंडर 100 ग्राम एसिडिफायर 100 ग्राम। तो उसका जो पर केजी रहता है आपका 100 kg का 100 रुपये के आसपास रहता है। तो मैं 20 रुपये जोड़ा हूँ 100 ग्राम का, ज़्यादा जोड़ा हूँ। तो अब तेल की बात करेंगे। तेल अपना 105 रुपये करके है पर केजी, 1 kg डाला तो 105। टोटल की बात करें तो हमारा 3466 रुपये में माल रेडी हो रहा है प्री स्टार्टर फीड, और एक नंबर फीड रेडी हो रहा है ये वाला क्वालिटी में। अगर 1 kg की बात करें तो आपके 35 रुपये के आसपास रेडी हो जा रहा है, लेकिन अगर आप खुद का बना रहे हो तो जो फीड का कॉस्ट है और भी कम पड़ जाएगा, 1-2 रुपये कम हो जाएगा। तो फीड अगर आप खुद बनाओगे तो पोल्ट्री फार्मिंग में घाटा होने से बहुत बार बस मतलब बहुत ही कम चांस रहता है घाटा होने का, हालांकि बराबर होता है कई बार, लेकिन घाटा होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो खुद का फीड बनाइए और पोल्ट्री में अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। तो ये रहा हमारा प्री स्टार्टर फीड का फॉर्मूला, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। कितना किसी क्या डालना है आप कमेंट में पूछते रहते हो, तो आपसे इसी को देख लेना, यही फॉर्मूला है जो मैं आपको बताया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आएंगे कुछ नए वीडियो, एक नए तरीके से वीडियो लाकर। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।